बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एंड अगर आपको स्किप करना है तो आप कर सकते इतने पार्ट को जहाँ पर मैं रिव्यू देगा। तो मुझे ना 1 अप्रैल से वीडियो डालनी थी, मनी थी मतलब 1 अप्रैल को ही वीडियो शूट कर रहा था, बहुत कुछ हो गया था, बट लास्ट में क्या हुआ, आ गए मेरे दादाजी घर पे। मतलब वो तो कल चले गए गांव वापस क्योंकि उनको खेती बाड़ी करनी, बट वो क्या हुआ फिर वो सवाल पूछते रहे, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया उधर। एंड आज मैं बनाने वाला हूँ, मतलब रिव्यू करने वाला हूँ, ये जो इलाइट पास आप देख रहे हैं इसको मैं रिव्यू करने वाला हूँ। एंड इसका बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बो भी देने वाला हूँ, कौन सा क्लोज का कॉम्बो आपको रखना चाहिए इसके साथ। एंड मैंने ये लाइट पास ले लिया है, मतलब परचेज कर लिया है, एंड ये बहुत ज़्यादा ओपी लाइट पास, मतलब बहुत महीनों के बाद गरेना ने ऐसा ओपी लाइट पास दिया, नहीं तो वो सिर्फ पैसे से मतलब रखती थी, बाकी कोई ओपी लाइट पास नहीं था। एंड यस गाइस, सो एंड इस कॉम्बो में एक रिक्वायरमेंट है मैं जो देने वाला हूँ एंड रिव्यू करने वाला हूँ, कि इसके पहला का जो ये वाला इलाइट पास है ना, वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो आपका जो मेल बंडल वाला है कॉम्बो है वो नहीं बनेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो गर्ल का वो है ना रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए आपको पंक स्टार बंडल चाहिए जो कि सबको फ्री में मिला था, बस आपको मतलब वो होली इवेंट का वो कंप्लीट करना था। एंड आपको पंक स्टार बंडल 28 मार्च को क्लेम कर देना था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कर दिया है बिकॉज यार वो म्यूजिक ना मेरी आवाज को दबा देगा। सो अभी क्या हम आ गए लाइट पास पे, और मैं यही कॉम्बो कह रहा था, पर मैं आपको इसको अच्छे से लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम इस लाइट पास को रिव्यू देंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए, तो मेरे इधर 70 बैजेस तो हो गए हैं, तो इधर सबसे पहले जो व्हीकल की स्किन है वो मतलब ठीक ठाक है, एनिमेशन भी कुछ नहीं है, मतलब इलाइट पास वाली तो एलिमिनेशन नहीं होती किसी में भी स्किन में, आपको पता ही होगा, बट यार मतलब ठीक ठाक है, अच्छी भी लग रही है। और यार मेरा फेवरेट कलर कॉम्बो है इसमें, मतलब आप देख ही सकते हो अपना मेरा ब्लैक एंड रेड, ये मेरा फेवरेट कलर कॉम्बो है। वैसे मेरा फेवरेट कलर तो ऑरेंज है, बट ये कॉम्बो मेरा फेवरेट है। एंड अवतार एंड बैनर जो मैंने पहन रखा है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड ये तो इससे भी ज़्यादा अच्छा है, पर लाइट पास वाला इसने पहन लिया, चलो। एंड ये तो आपको पता ही है, ये तो सबको मिलता है, ये हुडी मतलब ठीक ठाक होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है इस। तो एंड इधर आपको 10 बैजेस में एक स्कैनर भी मिलता है, एंड 0 बैजेस पे आपको 50 गोल्ड मिलता है, मतलब। और यार मैं इस ओबी अपडेट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर मतलब ओबी अपडेट आनी ना चाहिए वैसा भी हूँ, क्योंकि इसमें क्या कैरेक्टर का स्किल वो सब गोल्ड का कम कर देंगे प्राइस, बट यार इसमें क्रोनो की एबिलिटी चेंज होने वाली है, एंड मैंने क्रोनो तो रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही ख़रीदा था, हट यार चलो कोई नहीं। एंड ये अवतार मैंने पहना है, एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब आप देख सकते हो। एंड इसके पहले का भी इलाइट पास का काफ़ी अच्छा था, एल आई सी इलाइट पास का। एंड इधर आती है हमारी मेन थिंग, ये दोस्तों ये हुडी ये सब, और ये जो एनिमेशन है ना, आप मतलब पहन के जाओगे ना बंदे डर जाएंगे, एंड यार पीछे से जो एनिमेशन आती है ना यार काफ़ी ओपी है। इन दोनों इलाइट पास का ये जो जीन्स है ना वो क्लासिक जेज ब्रांड को भी टक्कर दे सकता है, आपको पता है कितना ज़्यादा बंदे यूज़ करते हैं, पर आई थिंक इसके शूज़ सभी अच्छा है। मुझे ये हुडी नहीं पहनता, वैसे तो मैंने एक बार ट्राई किया था इसको पहनने, मतलब गेम प्ले करना अच्छा नहीं दिख रहा है। एंड मास्क भी मैं पंक्स्टर का ही पहनता हूँ, ठीक है। एंड इधर आ जाती है, ये सब तो ठीक ठाक है, डायमंड रॉयल वाउचर। एंड इधर आप यदि अपनी मतलब वो अगर आपके पास ईवो MP40 है तो आपको इधर टोकन्स मिलेंगे जिससे आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब ये मेगालोडियन शार्क का है, ये फिर अपना ईवो MP40 का है, नहीं ये मेगालोडियन शार्क का है, ये ड्रैगन स्कैलेके का है, हाँ याद आया। फिर ये पैरंग की स्किन मतलब ठीक ठाक है, उसकी उतनी अच्छी भी नहीं है, इससे अच्छा तो मैं वो स्किन इक्विप कर लूँ अपनी जो फ्री में मिली थी ना, हाँ ये देखो ये इन्फर्नो वाली। एंड ये
ये आप तो आपको पता ही होगा, ये 30 दिन के लिए फ्री में मिलती है आपके रीजनेबल बैटल में, आप मतलब वो टॉप 50 में आओ तो ठीक है। मैं भी टॉप 50 में आया, ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे ये क्रोनो वाली पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इसको इक्विप कर लेता हूँ, रुको। हाँ थैंक्स। एंड इधर हम आ जाते, पैरंग की स्किन ठीक ठाक है, चलो उतनी बुरी भी नहीं है। एंड अरे यार ये कमर खगड़ा, सॉरी। एंड जो ये बैकपैक है गाइस, ये मेरे जो पर्सनल फेवरेट बैकपैक को भी टक्कर दे सकता है, मतलब ये देखो मेरा पर्सनल फेवरेट बैकपैक, मैं आपको दिखाता हूँ अपना। हाँ ये रहा, ये मेरा पर्सनल फेवरेट बैकपैक, एंड ये भी है, बट ये ना थोड़ा बड़ा होता है इसलिए फाता नहीं है गेम प्ले करने का, इसलिए मैं हाइड रखता हूँ इसको, पर इस जो बंडल है ना उसमें हाइड का ऑप्शन नहीं आ रहा, सो कोई नहीं होता है। एंड ये तो सबको फ्री में मिली थी, सबको पता है। एंड बैकपैक अच्छी है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत बुरी भी नहीं है, एंड हाँ अच्छी है, ठीक ठाक, चलो अच्छी है, एनिमेशन के से अच्छी लग रही है। एंड ये जो बैनर है, ये ब्लड सकर्स बैनर, वो अपना ड्रैकुला पे बेस्ड है ये बैनर। एंड ये जो आपको पता है ये बहुत फेमस होती है, वो जो मूवीज वैम्पायर फिर ड्रैकुला वो सब मूवीज होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फेमस होती है, उसी से इंस्पायर होके ये जो इलाइट पास बना दिया है। एंड 500 गोल्ड, एंड ये भी ठीक ठाक है, ये मतलब उतना अच्छा नहीं है बट बहुत अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, मैं बहुत अच्छा की बोल। एंड इधर हमारी नो एट्रीब्यूट्स वाली स्किन है जो कि अच्छी है, एंड ये मुझे ना मतलब वो टाइम ट्रैवलर थॉम्सन है ना, वो नहीं अच्छी लगती मुझे, नहीं अच्छी लगती, जस्ट बिकॉज आपको पता ही होगा पे उसमें एट्रीब्यूट्स बहुत मतलब कमज़ोर है, इससे अच्छा जो स्किन बिना की आती है ना थॉम्सन, वही अच्छी चलती है। एंड इधर आपका ये ब्लड सकर्स बैनर का ये कॉम्बो आपको पता ही होगा ये तो। एंड मेन चीज़ इमो ट्रिपल किल्स इमोट, किल्स किक्स इमोट, सो ये बहुत ज़्यादा अच्छी इमोट है, अगर आपको नहीं पसंद आता मैं कह दूँ सर्फ बोर्ड, ओह माय गॉड। तो हम इधर मेन मेन चीज़ें पे ही बात करने वाले हैं, हम वो ये सब चीज़ों पे बात नहीं करने वाले, आपको पता ही है सर्फ बोर्ड बहुत अच्छा है, मतलब एक एनिमेशन इतनी अच्छी आती है ना, ये पहले वाली इलाइट पास से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब उसमें तो ज़्यादा एनिमेशन थी भी नहीं। एंड ये इवोल्यूशन स्टोन सबको पता है, पैराशूट इसमें अच्छा दे रहा है, मैं इसको इक्विप करके खेलूंगा, ये मुझे अच्छा लगा, ठीक है। एंड लास्ट टाइम क्या मिला, हाँ बैकपैक मिला था ना, अपना हम इधर थे ना, हाँ इधर ही थे। ये हमारा लूट बॉक्स है जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब आप देख सकते हो इधर पीछे से वो पंख निकल रहे हैं ड्रैकुलास के, वो अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। एंड इधर हमारा मेल बंडल आता है, एंड इसका भी कॉम्बो हम आपको बताएंगे। अगर आपके पास वुल्फ्रा कैरेक्टर है तो आप उसका हुडी ना पहने, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ना, आपके पास नहीं है एंड आलोक बालोक है तो आप उसका हुडी पहन सकते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कॉम्बो, ये देखो रुको मैं पहले उसको इक्विप कर लेता हूँ, मेरा फेवरेट है पंक्चर। देखो आपको क्या करना है, उसकी जो हुडी वो सब है ना, वो सब आपको पहननी है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसकी जो ऊपर के मास्क नहीं है वो पहनना है, फिर ये जो पहले वाला इलाइट पास आपके पास है तो ये पहनो, मैं तो पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगा यही पहनो, नहीं तो वो वाला भी अच्छा है, उसमें एनिमेशन ज़्यादा है, आपको पता है ये जो पहले वाला इलाइट पास था ना उसमें ज़्यादा एनिमेशन नहीं थी, आपको पता ही होगा है ना, तो एंड शूज़ तो आप कोई भी पहन सकते हैं, ठीक है। एंड फिर पंक्स्टर वाला मास्क पहन लीजिएगा आप, मुझे अभी क्लेम नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपको कॉम्बो दिखा देता, एंड मैं बैजेस परचेज भी नहीं करता, देख तो यार क्या हम कर सकते, नहीं 50 बैजेस चाहिएगा वो भी, मतलब 50 डायमंड्स, नहीं मुझे नहीं उड़ाने डायमंड। तो फिर यही था आज के रिव्यू के लिए, आपको पता चल गया होगा ये पंक्स्टर वाला पहन सकते हैं आप, या तो ये पहन सकते हैं या तो ये वाला, बस ये वाला मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा, पंक्स्टर वाला पहनो, कतई जहर लगेगा, लोग डर जाएंगे। सो यही था आज के इस वीडियो के लिए, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिए, हमको 1K हिट करना है, 1K प्लीज़ हिट करवा दो यार, 1 ईयर्स आया हूँ, ठीक है, तो बाय बाय। With the